ना खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस ला कहीं से ढूंढ कराजरीन खिलाफत फोरम में खुश आमदीद मैं हूँ आपका होस्ट वसीम अहमद नाजरीन पिछले चंद माह से आपने गौर फरमाया होगा कि आलम अरब में जाबर और जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए तब्दीली की एक लहर चल रही है आलम अरब का जदीद तलीम याफ्ता नौजवान इन जाबर और जालिम हुक्मरानों से निजात हासिल करने के लिए मैदान अमल में निकल आया है उनकी बेमिसाल कुर्बानियों जज्बा और शौक ने यह साबित कर दिया है कि अदम तशद की पॉलिसी अपना कर और अपनी जानों का नजराना देकर बड़े से बड़े डिक्टेटर से जान छुड़ाई जा सकती है और उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है नाजरीन इस पूरी सूरत हाल के पीछे क्या गेम है क्या पस मंज़र है और इसका क्या लाहेमल होना चाहिए आइंदा के लिए इस हवाले से आज का प्रोग्राम तरतीब दिया गया है मेरे साथ के गुफ्तु हैं मिर्जा एयुबेग नाजम नशोशा तंजीम इस्लामी पाकिस्तान और हमारी खुशकस्मत यह है कि आज के महफिल हैं जनाब अमीर तंजीम इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ आकिब सईद साहब आइए गुफ्तु का आगाज़ करते हैं अयुबेग साहब मशता में बेदारी की जो लहर चल रही है और आवाम सड़कों पर निकल आए हैं आप क्या समझते हैं कि इसका आगाज़ क्यों हुआ और कैसे हुआ बसमिल वसीम साहब बात दरअसल ये है कि ये जबर का नतीजा है महज जबर का नतीजा है कि आज लोग जो एक मदत से दबे हुए थे वो हुकुमरानों के ख़िलाफ़ मैदान में निकले हकीक़त ये है कि इंसान बुनियादी तौर पर आज़ादी पसंद है फितरतन आज़ादी पसंद है वो आज़ादी चाहता है तहरीर की तकरीर की वो ये नहीं चाहता कि किवानों की तरह उसे खिला पिला कर फिर कोई छरी से उन्हें हांके और वो महज हैवान बनकर रह जाए खाने पीने वाले इंसान की खाश होती है कि वो आज़ादी से अपनी राय दे सके आप देखें के आगाज़ में इंसान यानि इब्तदा आफरीनिश का मामला है कि जब इंसान गारों में रहता था तो इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद था और उस आज़ादी का क्या नतीजा निकलता था कि हर ताकतवर जो है वो कमज़ोर को खा जाता था दबाता था फिर जहनी इरतका के साथ साथ और इंसान को ये एहसास हुआ कि उसे किसी अजमाहीत की जरूरत है जब वो अजमायीत वजूद में आई तो फिर उस उसी इंसान की आजाद पसंदी ने खुद ऐसे कवानीन और जवाब बना लिए जिनके मुताबक वो जिंदगी गुजारता था ये आजाद पसंद इंसान ने जवा, जवाबत और कवायद भी इसलिए बनाए कि वो उसे उसे फ़ायदा पहुंचाते थे यानी एक आदमी का फर्ज दूसरे का हक बनता था और एक का हक जो है वो दूसरे का फर्ज बनता था यानी गिव एंड टेक का मामला था यानी यहाँ भी इंसान ने अपनी आज़ादी के हवाले से गिव एंड टेक का मामला किया इसी इसीलिए यानी ये कि अगर कोई इजतमाहीत में कोई सरदार है और कोई आम आदमी है तो आम आदमी ने सरदार का हुक्म मानना है और सरदार ने उस बदले में उसकी हिफाजत करनी है उसकी जान उसकी माल और उसकी हिफाजत इसी तरह फिर जब रियासतें वजूद में आईं तो यही सिलसिला हुआ कि आप अपनी मर्जी से किसी मुल्क के नेशनल तो बन सकते हैं लेकिन जब आप किसी मुल्क के नेशनल अपनी मर्जी से बन जाएंगे तो उसके बाद आपको उस मुल्क के कवानीन उसके जो भी जवाबत हैं जो कवायद हैं वहा उनकी पाबंदी करनी होगी। हो इंसान किसी सूरत में जबर को जबरदस्ती को बर्दाश्त नहीं करता खासतौर पर अपने ख्याल के इजहार में वो आजादी चाहता है मैं यहां आपको एक बड़ा एक लतीफा समझ लीजिए वो सुनाता हूं वो ये कि दूसरी जंग अजीम के बाद जब दुनिया दो ताकतों में तकसीम हो गई अमेरिका और सोवियत यूनियन, तो यूरोप जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो गया मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप मशरकी यूरोप में कम्युनिस्ट निज़ाम आया और मगरबी यूरोप में सरमादारा निज़ाम आया तो लतीफ़ा ये है कि एक दफ़ा मशरकी यूरोप से एक कुत्ता मगरबी यूरोप की तरफ चला गया ऐसी कोई खास हदबंदी तो थी नहीं तो दूसरी साइड यानी मगरबी यूरोप की साइड के कुत्ते ने उसे पूछा कि तुम इतने मोटे ताज़े हो इसका मतलब है तुम्हें वहां खुराक बड़ी खुली मिलती थी तो इधर तुम्हारा इधर आने का क्या मतलब है जबकि हम सिर्फ खुराक की तलाश में रहते हैं तो उसने जवाब दिया कि यह दुरुस्त है कि वहां खाने को बहुत कुछ मिलता था लेकिन वहां बौंकने की इजाजत नहीं थी तो ये एक ख्वाहिश है इजहार राय पे पाबंदी इंसान किसी सूरत में कबूल नहीं करता मैं समझता ये, सिर्फ ये ही नहीं कि मुल्क की कवानी जो कवानी लि, है उन्हीं में ये मामला होता है हमारे दीन इस्लाम में भी आप देख लीजिए कुरान पाक में लाक्राहन यानी दीन में कोई जबरदस्ती नहीं कोई मजबूरी नहीं लेकिन फिर आगे कवायद जवाबत आगे चलते हैं अगर आपने दीन इस्लाम वसीयत दीन कबूल कर लिया है तो अब आपको इस्लाम के कवानीन पर अमल करना पड़ेगा आजादी है कि कौन सा आप दीन इख्तियार करते हैं आपके दीन अडॉप्ट करने में कोई जबर नहीं होगी कोई जबर नहीं होगा लेकिन यह कि जब आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे तो फिर आपको आपको उस कवानी के जो है वो उनको तस्लीम करना पड़ेगा यहाँ जो ये ममालिके मशर की वस्ता के यहां का ये मामला बन चुका था कि वो ये समझते थे यानी हुक्मरान ये समझते थे कि हमारे अवाम जो हैं इनानों की तरह महज चारा डाल दिया जाए और वो भी आप यूं समझिए कि भूसा डाल दिया जाए और जो भी मीषत की मलाई है वो हम खुद खाएं यानी अयाशियों में मुबतला हो जाएं लेकिन अवाम को बस खिलाएं पिलाएं और अपने छड़ी की नोक पर रखें ये वो जबर था जिसके खिलाफ जो है अवाम जो है वो मैदानों में निकले फिर यह क्योंकि दुनिया का माहौल इस तरह का बन चुका था कि ज़महूरियत बहसीत एक तर्ज़ हुकूमत के गालब आ चुकी थी अगरचे बाद में अगर मौका मिला तो इस पर भी गुफ्तू हो सकती है कि हमारे यहाँ यानि इस दुनिया में ये आज़ादी जो मिली है तो वह फिर दूसरे इंतहा पर भी गई है जिस तरह जबर और एक जुल्म है एक ज्यादाती है इसी तरह दूसरी इंतहा पर यानी मादर पिदर आज़ादी भी जो है वो भी हमारी राय में मैं जी तौर तो पर यह समझता हूँ कि वो भी हलाकत खेज है मादर पिदर आज़ादी भी हलाकत जब तक इंसान कुछ जवाबतों का कवायद के अंदर रहेगा तो उसकी जिंदगी जो है बड़ी आसूदा रहेगी ये जो मशर की में जो कुछ हो रहा है आप देखें सबसे पहले ट्यूनस में हुआ है ट्यूनस में हुआ क्यों हुआ त्यूनस में एक बहाना बना एक ग्रेजुएट था जिसने नौकरी के लिए दरखास्त दी लेकिन हुकूमत ने उसकी दरखास्त मुस्तरद कर दी उसे नौकरी नहीं दी बावजूद इसके कि वो एक पढ़ा लिखा नौजवान था अब उसने क्या किया उसने सरे बाजार जो है वह जिसे हम छाबड़ी फरोश कहते हैं या रेड़े वाला कहते हैं उसने वो अपनी कुछ सब्जी फल वगैरह बेचने शुरू कर दी एक दिन वो आए हुकूमत के कुछ कारिंदे उन्होंने उसका वो सामान उठाया उसमें उसमें लादा ट्रक में और उसको ले गए इस पर उस नौजवान ने खुद खुदसोज़ी कर ली और वो बड़ी बुरी तरह जुलस कर जो है वो हस्पता पहुंच गया इस पर आगाज हुआ है कि एक आदमी का ये फेल था उस शख्स को हस्पता ले जाया गया इस पर कुछ मुजाहरे हुए उस मुजाहरे के दौरान भी कुछ नौजवानों ने खुदसोज़ी कर ली अब बात और बढ़ गई ज़ैन जो उस वक़्त वहाँ का हुक्मरान था उसने हर तरह की उन मारात भी दी उस 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 नौजवान को देखने हॉस्पिटल गया लेकिन यह है कि मुजाह रुकने में नहीं आए और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि उसका अंजाम ये हुआ कि उस शख्स को हुक्मरानी छोड़कर मुल्क से भी भागना पड़ा इसी तरह फिर मिस्र में हुआ और मिस्र में आप देखते हैं कि तकरीबन बत्तीस साल से हसनी मुबारक जो है वह हुक्मरान था और हर पांच साल के बाद वो एक क्या सो कॉल्ड रेफरेंडम करवा लेता था और उसमें उसके तय शुदा सतानवे हर दफा और वो हुक्मरानी का ऐलान कर देता था, था अगले पांच साल के लिए जबकि ये आवाम की आवाज नहीं थी अवाम ऐसा नहीं चाहते थे आवाम चाहते थे कि हम अपना इजहार करें कि कौन सी चीजें इस मुल्क में हैं जो उनके उनके हकूक उन्हें नहीं मिल रहे और कौन सी ऐसी खारजा पॉलिसी के हवाले से तौर पर फलस्तियों से सलूक के हवाले से तौर पर ये जो चीज़ें थी इससे आवाम बहुत तंग थे और फिर ये कि अमरीका की गुलामी के हवाले से जिस तरह वो जा रहा था अवाम इसको पसंदीदगी की नगाह से नहीं देख रहे थे इस खत्े में ये अमरीका का सबसे बेहतरीन एलाई था यह कंसिडर किया जाता था, था इसे मशर की वस्ती मशरक़ वस्ती में अमरीका का कौन बेहतरीन अलई है ये फैसला करना अच्छा खासा मुश्किल है ये तो सब एक से एक बरकर हैं और सब एक से एक बरकर अमेरिका को ये यकीन दहानी करवाने चा, करवाना चाहते हैं कि वो उसके दोस्त उसके अलाई हैं लिहाजा ये फैसला कम अज़ कम मैं तो नहीं कर सकता कि बेहतरीन अलाई कौन था बहुत अलाई हैं उसके वहाँ लेकिन ये आप यकीन कह सकते हैं कि मज़बूत तरीन अलाई था इस हवाले से कि मिसर सबसे ज़्यादा तरक्याफ़्ता मुल्क है इंडस्ट्री के हवाले से भी और असले के हवाले से भी और अस्करी कुवत के हवाले से भी के मशरक़ी में सबसे ज़्यादा ताकतवर मुल्क था और ये वो मुल्क था जिसे किसी वक्त में कभी सन सड़सठ की जंग से पहले एक इसराइल के एक ताकतवर दुश्मन की असीयत हासिल थी इसके बाद यह बहरीन में आया ये यमन में हुआ ये सब जगह जो इसके बाद जो यही यानी ये, ये, ये वायरस जो है ये फैलता चला गया और लोग हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है बड़ी कुर्बानी है दी और ख़ास तौर तो पर मैं ज़िक्र करना चाहूँगा लिबिया का लिबिया में ये मुजाहरे जो हैं ये अपने अरूज पर पहुँचे हैं और वहाँ कर्नल कजाफी जैसे कि आप जानते हैं बयालीस साल से हुक्मरान और वहाँ तशद अपने इंतहा को पहुँचा है वहाँ जहाज़ों से मुजाहिदीन पर बमबारी भी की गई है और यहाँ तक कि में मतहद और अमेरिका भी चीख उठे हैं और तमाम दुनिया ये देख रही है कि वहाँ बहुत